हेलो एवरीवन, लतास कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कॉर्न ग्रेवी। पहले एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा ऑयल ऐड करते हैं। ऑयल गरम होते ही उसमें ऐड करेंगे 3 to 4 पीसेस दालचीनी, एक बड़ी इलायची और 2 तेज पत्ता, 5 to 6 लवंग और 2 हरी मिर्ची, अदरक टुकड़ा और 4 पीस लहसुन। इसको थोड़ा फ्राई करते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 अनियन, इसको बड़ा बड़ा सा कट कर लिया है मैंने, और 10 टू 12 काजू। इतना ऐड करने के बाद इसमें ऐड करते हैं 3 टमाटर। 3 टोमेटो को भी मैंने बड़ा बड़ा कट किया है। उसको अभी नमक ऐड करके पकाएंगे। नमक ऐड करने से जल्दी से नरम हो जाती है हमारी सारी चीज़। सो नमक ऐड करके इसमें ढक्कन रख के 3 मिनट्स पकाएंगे। ये देखिए अभी पानी छूट चुका है और अच्छे से टमेटो ऑनियन सब पक गया है। अभी इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर एंड रेड चिल्ली पाउडर 1/2 चम्मच। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करते करते भी टेस्ट बढ़ जाता है। सो बहुत प्यार से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। काजू ऑप्शनल मत रखिए, क्योंकि 10 टू 12 या 10 पीस भी काजू डालने से इसका ग्रेवी का टेस्ट एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का टेस्ट बन जाता है। सो इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते करते पकाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने गैस बंद कर लिया है। इसको थोड़ा कूल होने देंगे। ये पूरा ठंडा होने के बाद इसको एक मिक्सी जार में डाल देते हैं। इसको अभी हमें ग्राइंड करना है, एक अच्छा पेस्ट बनाना है। ये देखिए सब मिक्सी जार में डाल दिया और इसको ग्राइंड कर लिया है। अभी सेम पैन में 2 चम्मच घी लिया है, ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है और उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। उसके बाद कड़ी पत्ता, ये थोड़ा अच्छे से फ्राई होते ही इसमें ऐड करेंगे राई, वो भी अच्छे से चटपटा होने के बाद। यहाँ पे देखिए बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड किया है, बारीक कटा हुआ ऑनियन, इसे भी मिक्स करेंगे। इसको भी 1 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक हम लोगों ने मसाले में भी डाला है तो थोड़ा सा ही ऐड करना है। और इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर। अभी इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते करते यहाँ पे शिमला एंड अनियन को भी पका लेते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मेन इंग्रेडिएंट्स हमारा कॉर्न। कॉर्न को भी इसमें मिक्स करेंगे। कॉर्न बहुत हेल्दी है, सो इसका एक डिश बहुत ही टेस्टी लगता है खाने के लिए। सो इसको भी ढक्कन लगा के 4 to 5 मिनट इसे पकाएंगे। ये देखिए ये अभी पक चुका है। एकदम से नरम नहीं करना है, हाफ बॉयल ही करना है। उसके बाद इसको मसाला ऐड करेंगे। मसाला ऐड करके इसको थोड़ा सा मिक्सी का जार में पानी डाल के भी इसको ऐड करना है। अभी पानी डाल के यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। इसको मिक्स करते हैं पहले अच्छे से, मिक्स करके पकाएंगे इसको।
इस स्टेज में हम नमक देख सकते हैं कि नमक ठीक है या नहीं, चाहिए तो ऐड अभी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, गैस फास्ट फ्लेम में ये अच्छे से चल रही है। और इसमें थोड़ा सा मैंने रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया, थोड़ा तिक्कम लगा, और थोड़ा नमक भी ऐड किया। उसे अच्छे से मिक्स करते हैं। अभी तिक्का और नमक सब बराबर है, सेम है, बहुत ही टेस्टदार यहाँ पे मसाला बन गया है। अभी इसको ढक्कन लगा के पकाते हैं, अच्छा उबल आने देते हैं। देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा उबल आ रहा है यहाँ पे। सो हमारा एकदम फास्ट फास्ट वाला ये है हमारा क्विक रेसिपी कॉर्न। अभी इसको थोड़ा चीज़ डालेंगे, यहाँ पे चीज़ को ग्रेटेड करके इसे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने गैस अभी बंद कर लिया है। चीज़ डालने से बहुत ही टेस्ट बन जाता है हमारा ग्रेवी, और इसमें एकदम क्रीमी जैसा ग्रेवी बन जाता है। आप लोग ज़रूर एक बार बनाएंगे तो हम आप लोग को पता चलेगा। यहाँ पे धनिया पत्ती से थोड़ा यहाँ पे मैंने गार्निश कर रही हूँ। ये हो गया हमारा कॉर्न ग्रेवी रेडी हो गया है। अभी इसे रोटी के साथ, चलिए गरम गरम ग्रेवी को परोस लेते हैं। बहुत ही क्रीमी क्रीमी वाला ये हमारा कॉर्न ग्रेवी है, बहुत मींस बहुत टेस्ट है। एक बार ज़रूर ये सब इसको बना के आप लोग भी खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी, एकदम इजी है। ये देखिए, जल्दी जल्दी बना के खा लीजिए।